हेलो फ्रेंड्स, आई एम कोमल छापकर। वेलकम टू आशीर्वाद किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डेलगोना कॉफ़ी रेसिपी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनती है, बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही झागदार कॉफ़ी बनती है एंड इट्स वेरी मच इन फैशन नाउ डेज। सो लेट्स टेक अ लुक एट द रेसिपी। तो यहाँ पे एक बाउल में मैंने लिया है 2 टेबल स्पून शुगर। उसी स्पून से मैंने लिया है 2 टेबल स्पून इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर और उसी स्पून से मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून एकदम गर्मा गर्म पानी। आप सारा मेजरमेंट एक ही स्पून से करें और अब इसे हैंड विस्कर से एकदम जल्दी जल्दी फेंटना है। आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बीटर का यूज़ कर सकते हैं, उससे ये कॉफ़ी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जल्दी रेडी हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बीटर नहीं है तो आप इस तरह से हैंड विस्कर से भी इसको बीट कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही बढ़िया और झागदार कॉफ़ी रेडी हो जाएगी। तो 2 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं, आप देख सकते हैं मिक्सर थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो बस इस मिक्सचर को इसी तरह से एकदम जल्दी जल्दी फेंटते जाना है। और अगर आपको हाथों में दर्द हो रहा हो तो आप अपने दूसरे फैमिली मेम्बर्स की भी हेल्प ले सकते हैं। तो 5 मिनट के बाद ये मिक्सचर कुछ ऐसा हो चुका है और बस इसको इस तरह फेंटते रहना है। और अगर आपके हाथों में दर्द हो रहा है तो आप थोड़ी देर रुक रुक कर भी इसको फेंट सकते हैं। मैंने वीडियो थोड़ा सा भी कट नहीं किया है, सिर्फ वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है और मैंने पूरा वीडियो आपको दिखाया है इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अब ये थोड़ा सा थिक हो गया है तो मैंने बाउल को थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया है ताकि इसको फेंटने में थोड़ी आसानी रहे। देखिए इस तरह से। अब ये 7 मिनट के बाद मिक्सचर कुछ ऐसा दिख रहा है, आप देख सकते हैं काफ़ी थिक हो चुका है, कलर एकदम लाइट हो चुका है। तो बस इस तरह से इसको फेंटते जाना है। और देखिए अब इसमें सॉफ्ट पिक आना शुरू हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा थिक होने लगी है ये कॉफ़ी। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बीटर हो तो ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो अब इसमें सॉफ्ट पिक्स बनना शुरू हो चुके हैं, देखिए इस तरह से। तो बस इसे इस तरह लगातार फेंटते जाना है। अगर आपके पास हैंड विस्कर भी नहीं है तो आप इसको स्पून से भी फेंट सकते हैं। और अब देखिए ये एकदम से तैयार होने ही वाली है। तो 12 मिनट्स हो चुके हैं और अब मेरे हाथों में एकदम भयंकर वाला दर्द हो रहा है। तो हाथों की इससे बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज हो जाती है। तो देखिए अब इसके जो पिक्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही स्टिफ होना शुरू हो गए हैं। तो बस इसे थोड़ी और देर के लिए फेंट लेती हूँ। तो बस इसको फेंटते जाए फेंटते जाए फेंटते जाए और ये बहुत ज़्यादा स्टिफ हो रही है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो रही है, कलर इसका चेंज हो रहा है। तो बस ये अब एकदम से रेडी होने वाली है। और ये देखिए इसके पिक्स देखिए एकदम स्टिफ हैं, जैसे कि व्हिप क्रीम होता है उसकी तरह। तो ये रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए विस्क के ऊपर लगा हुआ आप कॉफ़ी का मिक्सचर देखिए, एकदम स्टिफ पिक्स हैं। तो ये रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे टोटल मैंने इसको 15 मिनट्स के लिए बीट किया है और ये एकदम स्टिफ है। तो इसे चेक करने के लिए मैं बाउल को पूरा उल्टा कर दूँगी और देखिए इसको हिलाने पर भी ये बिल्कुल हिल नहीं रही है। फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए ये मिक्सचर ज़रा भी हिला भी नहीं है। तो कॉफ़ी मिक्सचर रेडी है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 ग्लास दूध, आप ठंडा या गर्म कोई भी दूध ले सकते हैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें शुगर मिला दें। मैंने यहाँ पे 3 टीस्पून शुगर मिलाई है और इसके ऊपर से ये जो हमने कॉफ़ी बनाकर रेडी की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसको बनाने में, लेकिन रियली बहुत टेस्टी बनी है और इतना अच्छा रिजल्ट, वाओ, बिना इलेक्ट्रॉनिक बीटर के, दैट्स अमेजिंग। तो बस आपको जितनी भी ऊपर से कॉफ़ी चाहिए उतनी डाल दें। ये कॉफ़ी थोड़ी सी कड़वी होती है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कॉफ़ी को सर्व करें। अगर आपको स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी चाहिए तो थोड़ी सी और ये फैटी हुई कॉफ़ी डाल दें, और अगर आपको लाइट चाहिए तो थोड़ी कम कॉफ़ी डालिएगा।
तो मैंने यहाँ पे 3 टीस्पून कॉफ़ी ली है और थोड़ी ऊपर से मैं लगा देती हूँ। और इसको इस तरह से स्पून से थोड़ा सर्कल में घुमाएंगे तो ये अच्छे से इवन हो जाएगी इस तरह से। तो ये हमारी टेस्टी टेस्टी झागदार कॉफ़ी रेडी है। ऊपर से आप इसको डेकोरेट कर ले कॉफ़ी पाउडर से या इस तरह से किसी स्प्रिंकल से, चॉकलेट स्प्रिंकल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस करें, शेयर करें मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।